सबसे पहले तो मैं फोटोफॉक्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे टेक्निकल राउंड के लिए चुना और इस प्रतियोगिता में बनाए रखा। मैं बिहार के एक छोटे से जिले शेखपुरा की निवासी हूँ। वर्तमान में मैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से स्नातक कर रही हूँ। नियमानुसार आज मैं अपने वीडियो के जरिए आप सभी को अपने बिहार की संस्कृति से रूबरू कराऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए। धन्यवाद। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने से बिहार नाम से हुआ, जिसे बिहार के स्थान पर अपभ्रंश रूप से बिहार के रूप में संबोधित किया जाता है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा यह प्रदेश वर्तमान में अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर भारत के राज्य के सामान्य योग्यताओं में से एक बनकर रह गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार 13वां स्थान पे है। सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा से और सन 2000 ईस्वी में झारखंड से अलग होने के बाद बिहार ने अपने कृषि के दम पे और मेधा को लेकर काफ़ी उन्नति की है। बिहार अपने खान पान के विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही व्यंजन खूब पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों के विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त अनरसा की गोली, खाजा, तिलकुट यहाँ की खास पसंद है। सत्तू, चूड़ा दही और लिट्टी चोखा जैसे स्थानीय व्यंजन तो यहाँ के लोगों की कमजोरी है। लहसुन की चटनी भी बहुत पसंद करते हैं। लालू प्रसाद के रेल मंत्री बनने के बाद तो लिट्टी चोखा भारतीय रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी मिलने लगा है। सुबह के नाश्ते में चूड़ा दही या पूड़ी जलेबी खूब खाए जाते हैं। चावल, दाल, सब्जी और रोटी बिहार का सामान्य भोजन है। बिहार की मालपुआ काफ़ी स्वादिष्ट होती है। यह उत्तर भारत में बनाए जाने वाली डिश है। बिहार के बाकी व्यंजनों में दाल पूरी, खाजा, मखाना खीर, भुजिया, मोतीचूर लड्डू एवं बैगन का भरता भी काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। हिंदी बिहार की राजभाषा तथा उर्दू द्वितीय राजभाषा मानी जाती है। मैथिली बिहार के संविधान के अष्टम अनुसूची में एकमात्र सम्मिलित बिहारी भाषा है। इसके अलावा मगही, भोजपुरी, अंगिका तथा बज्जिका बिहार की प्रमुख बोलियां मानी जाती है। प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान होने के कारण पटना सिटी में उनकी जयंती पर भी भारी श्रद्धा पूर्व देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य की आधिकारिक भाषा माना है। बिहार में भारत के अन्य राज्यों की तरह क्रिकेट भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा फुटबॉल, खो खो तथा अन्य खेल भी खेले जाते हैं, पर बिहार का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण होने के कारण कबड्डी यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है। पर्यटक स्थल की बात करें तो बिहार राज्य का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल पटना एवं गया को माना गया है। और प्रमुख गया की बात करें तो हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म का भी यह प्रमुख स्थल है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ दुनिया भर से हिंदू आकर फल्गु नदी किनारे पितरों को तर्पण करते हैं। विष्णुपद मंदिर, बोधगया में भगवान बुद्ध से जुड़ा पीपल का वृक्ष तथा महाबोधि मंदिर के अलावे तिब्बती मंदिर, थाई मंदिर, जापानी मंदिर, बर्मा का मंदिर, बौद्धनी पहाड़ी, ये सब भी वहाँ के काफ़ी जाने माने मंदिरों में से एक हैं।